हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमिडिटी के बारे में। तो देखिए, हम वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ पढ़ रहे हैं, थ्रू हैंड रिटन नोट्स में पढ़ा रही हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक जो हमें कवर करना है वो है ह्यूमिडिटी। देखिए, बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट वीडियो होने वाली है, तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। छोटा सा टॉपिक है बट इम्पॉर्टेंट भी है, राइट? तो उठाएं जल्दी से पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। अब ह्यूमिडिटी है क्या, सबसे पहले ये पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है, ठीक है? सो ह्यूमिडिटी मतलब द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर। हवा में, एयर में जो वाटर वेपर कंटेंट प्रेजेंट होता है ना, उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अब हम इसे मेजर कैसे करेंगे कि कितनी ह्यूमिडिटी है, ठीक है? तो उसके लिए भी एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम ह्यूमिड कितना है हमारा एनवायरमेंट वो चेक करते हैं, ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में चेक करते हैं, ठीक है? तो पहले तो आपने याद रखना है द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, राइट? नेक्स्ट आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर अपॉन मैक्सिमम अमाउंट दैट द एयर कैन होल्ड। हवा में कितने वाटर वेपर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय जो वो पर्टिकुलर एयर है वो कितना मैक्सिमम अमाउंट वाटर वेपर्स का होल्ड कर सकती है, इन दोनों की रेशियो इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। समझ रहे हैं कि एयर में कितने वाटर वेपर्स हैं डिवाइडेड बाय एयर जो है वो कितना अमाउंट जो है वाटर वेपर्स का सहन कर सकती है, होल्ड कर सकती है, उसके रेशो को हम बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसको हम मेनली जो है परसेंटेज में मेजर करते हैं, एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिक्रीज करेगी, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज करेगी। उल्टा होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में, ठीक है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की तरफ कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है। एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी सिंपल कि एयर में कितने वाटर वेपर कंटेंट अवेलेबल है, बस वो हो गई हमारी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। इसमें कोई रेशियो नहीं निकालनी, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, ठीक है? नेक्स्ट आती है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, जब भी स्पेसिफिक बात आ जाए तो हमने भार पे फोकस करना है, ठीक है? सो वेट ऑफ वाटर वेपर अपॉन वेट ऑफ मॉइस्ट एयर। कितना जो वाटर वेपर एयर में है उनका कितना भार है, और उसके बाद जो नमी हुई, ह्यूमिडिटी होती क्या है, नमी है ना। अब देखिए, आपने देखा होगा कार का शीशा होता है ना, जैसे हम कार में बैठे हैं और बहुत बारिश सी है, तो क्या होता है कि कई बार बारिश नहीं भी लगी होती तो बाहर जो आपका शीशा होता है उसके ऊपर कुछ बूंदे बूंदे सी होती हैं, है ना, वो भी ह्यूमिडिटी होती है। ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, सारी एक जैसे टर्म्स होती हैं बट इनके मीनिंग हल्के से डिफरेंट होते हैं, अदरवाइज सेम ही रहता है। सो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की बात करें कि वाटर वेपर्स जो कि एयर में है उनका वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट कितना हो गया मॉइस्ट एयर का, नमी के साथ एयर का, वो हो गई आपकी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। अब मैंने आपको आगे बताया था कि एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं ह्यूमिडिटी को। सो दिस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर के थ्रू हम मेजर कर सकते हैं ह्यूमिडिटी को, राइट? इसी के साथ एक और टर्म इस टॉपिक में आती है जो कि है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होती है, द फिजिकल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द वेपर टू द लिक्विड स्टेट। कंडेंसेशन क्या होता है कि वाटर वेपर वाली हम पढ़ते ना, सॉलिड से लिक्विड में होता है, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में चेंज होता है, तो उसको हमने अलग अलग नाम दिए होते हैं, कोई सब्लिमेशन है, कोई कुछ है ना, वो हम साइंस में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडेंसेशन का इससे रिलेशनशिप ये है कि फिजिकल प्रोसेस जिसके थ्रू वाटर वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं उसे हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है? अब दिस इज द बेसिस ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, जो आसमान में कुछ वाटर वेपर्स हैं उनका पानी की बूंदों की फॉर्म में नीचे आना। तो कई जगह प्रेसिपिटेशन को बोल देते हैं बारिश, बट प्रेसिपिटेशन इज नॉट बारिश, प्रेसिपिटेशन इज नॉट रेनफॉल। रेनफॉल अलग होता है कि उसके हम कन्वेक्शन वगैरह वो हम टाइप्स वो अलग चीज़ है, बट प्रेसिपिटेशन होता है कि आसमान में, स्काई में, हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी वाटर वेपर्स हैं अगर वो किसी भी फॉर्म में अर्थ के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, इन द फॉर्म ऑफ वाटर पड़ जाते हैं, मतलब गिरते हैं, तो वो होती है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन टॉपिक भी हम अब बस नेक्स्ट टॉपिक यही होगा हमारा, क्लाउड्स पढ़ेंगे, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल पढ़ेंगे, तो छोटी छोटी चीज़ें समझने वाली, ऐसा कोई बहुत इनडेप्थ वाला नहीं है, है ना। चलिए, अब हमारा आज का टॉपिक सिर्फ इतना ही था, तभी मैंने कहा था छोटा सा टॉपिक है, हल्के से नोट्स बना लिए, एब्सोल्यूट क्या है, ह्यूमिडिटी रिलेटिव क्या है, स्पेसिफिक क्या है, हाइग्रोमीटर क्या है, कंडेंसेशन क्या है, तो बस हो गया,
ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेज भी कर सकते हैं। नोट्स परचेज करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है। जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच। प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट गाइस, एंड सी यू सून।